सो हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, तो मिलते हैं। अच्छा डुल्लू आओ। गुड मॉर्निंग माँ। चले अब। चलो चलो चलो। राधे राधे माँ। आराम आराम से एकदम। हाँ जी डुल्लू बाय बेटू। तुम तो भाग रहे जाने के लिए। हम हो गए हैं रेडी चलने के लिए। ठंड बहुत है भाई। ठंड से गर्मी में जाना सर्दी में जाना बुरा हाल है भाई। वो गाड़ी की हालत देखो कैसे हो रही है। और माँ मंदिर बरात आई है पूरी। बहुत मजा आ रहा है हमारे यहाँ। ये तो हमारा छुट्टू है। डुल्ला बाय। डुल्ला से मिलता हूँ यार। डुल्ला बाय मेरा बेटू। बाय बेटू। अच्छा सॉरी। तो दोस्तों हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे। बस अब चलने की तैयारी है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई। हम लोग लेने करके आए हैं समरी रेस के हिसाब से, क्योंकि फिर वहाँ पे जाके गर्मी लगेगी। तब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मेरे ख्याल से अंदर जाने तक ही सर्दी लग रही है बस। तो हम आ गए हैं लाउंज में। खाना हम लोग का चल रहा है। देसी फूड मिल गया, मज़ा आ गया। घर से हम लोग खाना खा के चल रहे नहीं थे, बहुत सुबह निकले थे, बट फाइनली हमें खाना मिल गया। तो वी आर एट द लाउंज। और अपनी पेट पूजा कर लिए फटाफट से। गौर साहब भी लगे हुए हैं खाने में। अच्छा है ना पालक पनीर गौर साहब? बहुत टेस्टी है, है ना? तो भाई मैंने तो ये सब चीज़ें ली हैं। सैलड, मिक्स वेज, मेरे को ब्रोकलीज बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने ब्रोकली ज़्यादा लिया है, और राइस और चपाती और पालक पनीर। तो मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने। मैं कुछ थोड़ा कंफर्टेबल सा कुछ चाहिए था तो मैंने ये ले लिया। दोस्तों अब मैं फेस रिवील करने जा रही हूँ कि हमारे साथ कौन कौन चल रहा है। मैं भी हूँ। अरे आप तो हो ही। अच्छा अमजद भैया, भाभी, भैया, जेठ जी, देवर जी। मैं पति देव जी। हमें पति देव। सुनो हमारा गुप्ता जी तो रह गए। गुप्ता जी कहाँ हैं? ये मेरा बेटा, ये मेरा भतीजा। कुरानिया कहाँ गए? ये मेरा भतीजा, ये भतीजा है। ये आपके भतीजे हैं? अच्छा ये भतीजा है, ये मेरा भतीजा, ये मेरे पहलवान चाचा हैं उनका बेटा। ये मेरे जीवा भैया। तो भतीजा कैसे हो गया? दोस्तों मैं और भाभी इकट्ठे साथ साथ भाई। इस पे तो ऐसा मेरे को लगता है ना, इस पे जब चलते हैं ना इस पे तो ऐसा लगता है मेरे को नींद आ रही होती है, बट कोई नहीं। अभी हम थके हुए हैं। हम लोग सिर्फ 1.5 घंटे की नींद ली हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं। ये आ गए देखो। हाउ आर यू? बहुत अच्छा। ये देखो ये आ गए पति देव, ये आ गए भैया। ये पीछे वैसे मिलते रहेंगे सर। कुणाल भैया, कुणाल भैया कहाँ है? कुणाल वो जा रहा। ये कुणाल भैया फील्ड से अलग क्यों चलते हो? वो रहे हमारे कुणाल भैया। चच्ची करके दिखाना सर। एक बात बताइए कहाँ लेके जा रहा है? इससे कह दो पता ना, कोई तरीका थोड़ी है। मैं यहाँ खड़े हूँ, चालू कर दिया उसने। अपना नहीं है, अपना ना है, हमारा नहीं है। अपना कैसे हो जाएगा? चाबी तो हमारे पास है। चाबी हम पे तो अपना कैसे हो जाएगा? चाबी हमारी है। मैं यहाँ क्या करूँ? चाबी हमारे पास है। बाकी और पायलट से क्या कहना है भैया? है भैया अपने वाले के लिए मैं किसके की चाबी ले आया? उठा के आप हेलीकॉप्टर के लिए आए? नहीं अरे क्रूज की जो हम पकड़ा डेल्टे चाबी तो एक सी सी मैं एक सी एक आदमी से बनवाई। मैंने दोनों सुनो सुनो आप पायलट से क्या कहना है? पायलट से ये कह दो पायलट से कह दो तुम बेटा हम उड़ेंगे। नहीं आज अच्छी भी वैसे चलाऊंगा तुम्हें। ना 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 तुम्हें मेरी ड्राइविंग पे भरोसा है नहीं है? क्या चाह रहे हो? मेरी गाड़ी भैया एक काम करो आप हमें प्लेन मतलब एक काम करो फोन कर दूसरा प्लेन मंगा इनसे ऐसा जो हमारी पानी वानी चेक करवा लिया सब पानी चेक बोल दिया मौसा जी जहाज भेज दो और मैं मेरे लिए अगर भेजे ना मतलब मेरे लिए बोइंग चाहिए मतलब पिंक कलर का चाहिए पिंक कलर का पिंक कलर क्यों मुझे पिंक ही पसंद है हाँ मेरे छोटे से मैच होगा मेरे लिए ब्लैक मंगाइए माता ब्लैक जा रहे हो फिर हम जाए बाय भैया तो हो गया
गई भैया ब्लेजर चल लो, कह रहा कहाँ चलोगे काली रद्दी उन्हें पता ब्लेजर भैया काली नदी होता है भैया हमें यमुनापुर में छोड़ देना, इन सबको काली नदी और एक को आवाज से काश ठीक है हम लोग जा रहे हैं, हमने कर ली है ये छोटी सी फेरी यार ये राइड मजेदार है, ई रिक्शा कर लिया हमने ई रिक्शा ठीक है तो कोई नहीं भैया को भैया ने हमें 36 पे उतार दिया, हमें 32 बी पे जाना है और भैया आ रहे हैं हमें अभी दोबारा से, ये आए हैं अमजद भैया फेरी को लाते हुए जा रही है वापस 32 बी पे, क्योंकि हम लोग 36 तक आ गए थे 36 बट हमने पीछे छोड़ दिया है 32, तो भैया हमें दोबारा से ड्रॉप करने जा रहे हैं ये हम मजे ले रहे हैं ई रिक्शा के फेरी ड्राइव हम इससे भी और आगे बैठे थे, हम यहीं के बैठे थे उड़ान भरने के लिए हम लोग हो चुके हैं रेडी, बाकी लोग निकल चुके हैं आगे, वी आर सेट टू गो, मजा आने वाला है भाई, मैं तो सोने वाली हूँ भर भर के, मैं सीधा उठूंगी एट द लोकेशन। तो हम हो चुके हैं टेक ऑफ के लिए रेडी, ये कितनी बार हो पा रहे हैं हम तो समझ नहीं पा रहे, ये तीन बार शॉट ले चुके हैं हम, समझ नहीं आ रहा, अब मुझे लग रहा है शायद टेक ऑफ ले पाएंगे श्री, ये बार बार जो है चला ही रहे, उड़ेगा भी उड़ेगा भी हमारा जहाज उड़ेगा, हम उड़ान भरने वाले हैं, वी आर सेट टू गो, आस्ता उड़ रहा है ठीक है, एक बड़ी क्यूट सी बच्ची बैठी है हम लोगों के आगे वाली सीट पे, बहुत प्यारी है वो और मैं चिट चैट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं थोड़ा वेटिंग में क्योंकि पहले विस्तारा जी टेक ऑफ करेंगे फिर एयर इंडिया जी टेक ऑफ करेंगे तो वी आर इन अ क्यू, तो हम लोग अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, अगला नंबर हमारा है उड़ान भरने का, लोग नींद दिला रहे हो, सॉरी जी आप मत सोना भाई, व्लॉग देखो पूरा एंजॉय करो ठीक है, अब हम उड़ेंगे ना, हाँ जी अब हम उड़ेंगे, हम आ गए अभी रनवे पे, हैप्पी हैप्पी आस्था हो गई है हैप्पी एंड एक्साइटेड एक्साइटेड बैठे बैठे बोर हो गए कह रहे हैं।
एयरपोर्ट पे उतरे बगल बीच पे ही उतर जाए बीच पे, तो मैंने कहा यहीं उतर जाते हैं, बोर हो गए बैठे बैठे. अबाउट टू लैंड, चलो भाई उतर जाते हैं फिर. और ये हो रही है हमारी लैंडिंग. गोवा यार कितना सुंदर है, कलरफुल सा लग रहा है. और ये और भी बड़ी ट्यूब से निकल गया ना, हम इधर बस से चलेंगे. क्या हो गया, कहाँ से निकल गया, वहाँ से निकल गया, तो हमें भी वहीं से आना चाहिए था. आपको गलती हो गई ना, हम तेज में रह गए. हाँ वो पेशेंस वाला. बस से बस की यात्रा स्टार्ट हो गई है हमारी. मजा आ रहा है, गर्मी लग रही है. मजा पूरा अनु, मजा आ रहा है. तेरी भाभी पूछ रही है, पूछ ले. हाँ बोले बता दे. टिकट लाओ, पैसे लाओ, पैसे तो टिकट देंगे. क्या अच्छा, तुम टिकट वाले हो, टिकट सेल कर रहे हो. टिकट बोला, हमने बोला टिकट. अरे रखो हमारे पास है ऐसे टिकट. हम आपके साथ टिकट वाले हैं. वूहू भाभी भैया, वेलकम टू गोवा. कुणाल भैया आनंद आ रहा है. ये देखो यहाँ मिली है पीली काली टैक्सी दिखने को. लोकेशन पर ही तो सुंदर है. येलो येलो मेरी दोस्त है, उनको येलो कलर बहुत पसंद है, पल्लवी. और ये देखो, उनको लगता है ये हर चीज़ येलो होनी चाहिए, तो ये उनके लिए. और यहाँ भाई फूल भी है. ओह दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई लव द वाइब. बहुत सुंदर फोटोज आने वाले हैं यहाँ, मजा ही आ गया. कैसा लगा भाभी, क्या रिव्यूज हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सबके दिल खुश हो गए यहाँ पे सही में. दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और मैं आपको दिखाती हूँ घर कितना खूबसूरत है यार. ये देखो कितने कलरफुल से घर है यार, यहाँ इतने सुंदर सुंदर घर है यहाँ पे कलरफुल से. भाभी क्या खाओगी? हम पत्नी क्या खाएंगे, खाना खाएंगे. खाने में क्या खाएंगे आप? खाने में नॉर्थ इंडियन फूड, रोटी एंड सब्जी. रोटी सब्जी. ये देखो ये घर भी कितना सुंदर है. नहीं यार बहुत सुंदर है यार, मतलब मैं तो आज सच बात ये फर्स्ट टाइम आया हूँ. यहाँ अच्छा ये मंदिर तो नहीं है, पता नहीं भाई. मुझे गणपति दिखे तो मैंने सोचा हाथ ही जोड़ लूँ. लाफिंग विद दैट क्यूट. यहाँ में थैंकफुली मिल गया कुछ कुछ इंडियन रेस्टोरेंट, बट मिलते ही हो गए यहाँ. बट प्रॉपर इंडियन फूड पता नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ सी फूड ज़्यादा मिलता है. नहीं ये प्रॉपर नॉर्थ इंडियन है, बट प्रॉपर नॉर्थ इंडियन हमें मिल गया है. और होटल के पास में ही है तो अच्छा है. हम करेंगे अपनी पेट पूजा बाद में, काम दूजा. हाँ भाई भिंडी क्या बोला था आपने? भिंडे टिड्डी. ये हमारी भाभी ना शब्दों को थोड़ा रोड़ मरोड़ देती है. तो अगर ये भिंडी टिंडे बोलना चाहेंगी तो ये कहेंगी भिंडा टिंडी. भिंडे भिंडी टिंडी. ये टैलेंट मेरा ही है बस. ये इनका पेटेंट राइट है टैलेंट पे. तो दोस्तों अब हम डिनर करके आ गए हैं अपने रूम पर, और हम बहुत ज्यादा ही थके हुए हैं. और कल है गौर साहब का बर्थडे. कल मतलब ये व्लॉग आपको एक दिन पीछे चल रहा है, तो 27th को गौर साहब का बर्थडे है, तो हम करेंगे उनका बर्थडे सेलिब्रेट.
और आपको बहुत मजा आना है। तो उनका इंस्टाग्राम सब्जेक्ट उनको विशेस भर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए गौर साहब का बर्थडे है तो उनको बड़ा अच्छा सा फील होना चाहिए। माँ के बर्थडे में भी आपने बहुत स्पेशल फील कराया, माँ को थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही 27th ऑफ जनवरी गौर साहब का बर्थडे तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गोवा में, बहुत मजा आने वाला है। आगे का व्लॉग देखते रहिएगा, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। और एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी पूरा व्लॉग देखिएगा प्लीज़, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है एंड तक। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।